भाई साहब मेरे पहुंच गए इमिग्रेशन के काउंटर पे, मुल्क छोड़ के भाग रहे थे, भाग रहे थे या जा रहे थे, हुआ क्या है? मैसेज मुझे किया और मैसेज में क्या चीज पूछ रहे हैं, जवाब तो मैंने उनको दे दिया है, लेकिन आपको ये जानना सबसे जरूरी है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन सारे चेंज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। ये मेरे भाई साहब यहाँ पे विजिट पे आए थे, विजिट प्रॉपर गुजारा। अब सबसे बड़ी जो गलती इन्होंने की, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो विजिट के ऊपर आप लोगों को कहा जाता है ना ग्रेस पीरियड रह गया है, अभी रुकिए, कोई मसला नहीं है, वीजा डल रहा है, ग्रेस पीरियड है, फाइन नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे भाई मजे में रहते रहते ग्रेस पीरियड को गुजारा और जिस बंदे से इनकी कम्युनिकेशन या कमिटमेंट चल रही थी, वो भाई साहब ने उनके साथ किया धोखा, क्योंकि है तो सारी धोखे की दुनिया ना, समझ तो बाद में आती है बंदे को कि भाई किसने चूना किसको लगा दिया, किस टाइम पे मौका है वारदात पे लगा दिया। अब मेरे भाई साहब जब वहां से गए, अब पैसे तो लिमिटेड ही होते सबके पास, लिमिटेड पैसों के साथ जब उन्हें समझ आ गई कि गेम अब बननी नहीं है, तो उन्होंने कहा यार चलते हैं एयरपोर्ट पे जाके देखा जाएगा, डिपोर्ट करेंगे, डिपोर्ट कर दें। हुआ क्या उनके साथ, जब वहां पे पहुंचे तो आपको पता है अभी काउंटर पे क्रॉस नहीं करने दिया जाता, उनके ऊपर भी फाइन पड़ा हुआ था। अब भाई ने मुझे फाइन की पर्ची तो नहीं दिखाई, लेकिन मुझसे पूछ लिया कि भाई अब करना क्या है। उनके बाद वो गए हैं डिपार्टमेंट के अंदर, आमिर सेंटर में चले गए, पता लगा भाई फाइन भी आया हुआ था उनके ऊपर, जो उनको निकाल के दी रसीद के भाई इतना आप ओवरटेक का फाइन पे करें, उसके बाद जाने देंगे। अब किसी सियाणे ने कहा कि भाई फाइन रिड्यूस करवाओ, ठीक है, रिड्यूस भी भाई ने करवा लिया, थोड़ा सा फाइन रिड्यूस भी करा लिया, जो भी था उन्होंने पे किया। अब उनको वहां से जाने नहीं दिया जा रहा, उन्होंने कहा गया कि भाई जब तक आपके पास आउट पास नहीं बनेगा ना, आपको एग्जिट नहीं करने देना। अब आउट पास का वही 250 दरम एक्स्ट्रा, 250 पौने 300 दरम के अराउंड एक्स्ट्रा बनता है, वो लेके जब जाएंगे तो आपको एग्जिट करने दिया जाएगा। अब भाई ने आउट पास तो ले लिया और अब एग्जिट करके वो तशरीफ आवरी लेके जा रहे हैं। बात क्या बतानी है इसमें, मैंने बात यह बतानी है कि अगर आप ये सोच रहे हैं या आपके माइंड में कहीं भी आया ना कि फाइन माफ हो गया, फाइन रिड्यूस हो गया, और अगर एग्जिट टाइम पे आपको आउट पास दे दिया गया, तो आउट पास का सीधा मतलब है बैन। कोई बंदा इसको प्रूफ कर दे कि भाई आउट पास के ऊपर बंदा गया और दोबारा वापस आया तो मैं मानता हूं भाई, बट ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। बट ये कुछ केसेस ऐसे हैं, देखिए हर केस की नोयत होती है, कोई क्रिमिनल केसेस की एक हद तक चला जाता है और कोई फाइनेंशियल केसेस की हद तक चला जाता है, तो डिपेंड ऑन द केस सिनेरियो। लेकिन जो आपको कहते हैं ना कि सिस्टम पे लेबर बैन हो गया है, तो मैंने आपको बताया था लेबर बैन के अंदर डिफरेंट किस्में होती है कि फॉर एग्जांपल आपका डेजिग्नेशन को बैन कर दिया गया है, आप इस सैलरी रेंज की डेजिग्नेशन पे काम नहीं कर सकते, या पर्टिकुलर किसी डेजिग्नेशन को लॉक कर दिया जाता है। लेकिन अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड के ऊपर और ये ओवरस्टे के ऊपर, ओवरस्टे इज अर आप इसको क्राइम समझे, ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है जो आप डालते हैं, बट आपके साथ सियाणे ट्रैवल एजेंट शामिल होते हैं ना, जो आपको कह रहे होते हैं मसला ही कोई नहीं हो जाएगा, तब आप इस गेम में फंसते हैं। मेरी एक एडवाइस याद रखिएगा, पहली बात तो आउटकम पे दोबारा वापस कोई नहीं आ सकता, पूछने की जरूरत ही नहीं, आउट पास अगर आपने ले लिया तो पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अपने आप को हमेशा लीगल रख के चलिए, किसी भी कंट्री में चलना है, वरना मत चलिए, वापस जाइए, आपका यहां पे ठिकाना नहीं है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, आउट पास वाले बस निकले हैं और कुछ भी नहीं है आपका।